गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप एवरीबॉडी इज फाइन एट होम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यू ओबे योर पेरेंट्स? टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स? ओके, नाउ योर क्लास स्टार्ट्स। टुडे इज योर कंप्यूटर क्लास एंड चैप्टर नंबर 4, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। योर एम, यू नो द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? मॉनिटर, माउस, अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड। ओके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स। जो हमारी बॉडी है वो हमारे लिए अलग अलग काम करती है ना, वैसे ही कंप्यूटर है, वो हमारे लिए अलग अलग काम करता है। अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स टू डू डिफरेंट जॉब्स। A computer also has different parts to do different jobs. There are four main parts of a computer. You know also there are four parts of a computer, which they are monitor, CPU, mouse and keyboard. Let us look at the computer part in detail. Now you look at the there are monitors, there are pictures, and you look at the picture. Now look at the picture. What is it? What is it? This is a television. ये क्या है? Television. Next, now look at the second picture. What is it? This is a monitor. This is a computer monitor. ये है monitor. बट इसकी शेप होती है टेलीविजन जैसी। दिस लुक्स लाइक अ टेलीविजन बट दिस इज नॉट अ टेलीविजन, इट इज अ कंप्यूटर मॉनिटर। नाउ नेक्स्ट, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU box. CPU जो होता है वो उसके अंदर होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हम लोगों का ब्रेन है ना, हर कोई कमांड्स हमारी सुनता है, वैसे ही CPU ब्रेन कंप्यूटर का है। जो हम कमांड देते हैं वो सुनता है एंड काम होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नाउ कीबोर्ड। A keyboard has many small buttons called keys. You know keyboard, आपने देखा हुआ है ना keyboard? उसके छोटे 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 buttons होते हैं, कहीं पर alphabets लिखे होते हैं, कहीं पर numbers लिखे होते हैं। Okay? It is used for typing numbers and letters. ये हमारे letters type करने के लिए आता है और numbers। उसी से फिर क्या बनता है? एक word। Now mouse. And you know mouse? जिसको आप ऐसे ऐसे करके चलाते हो वो बिल्कुल माउस की तरह होता है, रैट की तरह, एंड उसकी लॉन्ग टेल होती है, वो उसकी वायर होती है। इट इज़ अ डिवाइस विद अ लॉन्ग वायर अटैच टू इट। इट हैज़ टू बटन्स एंड अ स्मॉल व्हील। यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग अ कंप्यूटर माउस। आप इससे पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ स्पीकर, अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। उनमें क्या क्या आता है जो अदर पार्ट्स कंप्यूटर्स के हैं? उसमें स्पीकर आता है, हेडफोन आता है। नाउ हम एलोबरेट करेंगे स्पीकर। स्पीकर आर अटैच टू द कंप्यूटर। स्पीकर हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू हियर साउंड्स एंड लिसन टू म्यूजिक। वी लिसन टू म्यूजिक एंड हियर साउंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, और ये सारा कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। नाउ हेडफोन्स। हेडफोन्स, अ पेयर ऑफ हेडफोन्स कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू हियर साउंड्स एंड म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। ये हम अपने कानों में लगा सकते हैं एंड हम और किसी को हम खुद ही म्यूजिक सुन सकते हैं, और जो भी हमारे सामने बैठे हैं वो डिस्टर्ब उससे नहीं हो सकते।
ठीक है, सभी को समझ आए। नाउ प्रिंटर्स, इसे हम प्रिंट करते हैं। दे आर यूज टू प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन पेपर। ये हमारे यूज होते हैं टेक्स्ट एंड पेपर प्रिंट करने के लिए। नाउ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी एंड पेन ड्राइव, एंड यू नो अबाउट सीडीज एंड पेन ड्राइव, वो हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। देर आर स्टोरेज डिवाइसेज इन विच वी सेव डाटा, एंड इनको हम स्टोरेज डिवाइसेज कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, सी डी है, उसमें हम जो भी हमने डाटा रिकॉर्ड करके रखना होता है वो हम इनमें रखते हैं। कभी जब भी हमें इसकी नीड होती है, वैन वी हैव नीड ऑफ दिस, तो देयर वी विल यूज पेन ड्राइव एंड सी डीज। ओके ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, वी विल सेंड दिस इन योर स्टडी ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स।